जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फ्री में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ SSC कांस्टेबल GT रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आ गया। इस भर्ती की पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूँ। मैं आपसे बात करने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में और एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपसे बात करूँगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी मैं दूंगा। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं इसके एज लिमिट को लेकर और सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। फ्रेंड्स, वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको alljobsfree.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या गूगल पर सर्च करके भी आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा SSC कांस्टेबल GD ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। चलिए मैं सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे नीचे आपको आ जाना होगा लास्ट में, और यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन क्लिक करो वाला ऑप्शन, ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा PDF डाउनलोड होकर ओपन होगा, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का है, ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्दी इसको अपडेट कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये आ गया है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन होगा। आप हिंदी में देख पाएंगे SSC का ऑफिशियल लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद SSC का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ssc.nic.in नोटिस। इसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस, और नोटिस उसके बाद यहाँ पे पद नेम आपको देखने को मिलेगा कांस्टेबल GT की वैकेंसी, जिसमें आपको यहाँ पे SSB देखने को मिल जाएगा, SSF देखने को मिल जाएगा, असम राइफल, ये सब आपका पदनाम है। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट डेट 17/7/2021, यानी कि कल से 31/7/2021 तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। 17 से जैसे स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जैसे नीचे आएंगे लास्ट डेट यहाँ पे 31/8/2021 रखा गया। अप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट रखा गया 31/8/2021 ही रखा गया। इसका ऑनलाइन पेमेंट का डेट 9/2/2021 रखा गया। 2/9/2021 तक आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। ई चालान का आपको देखने को मिलेगा, ऑफलाइन चालान का 4/9/2021 रखा गया है। और भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको रीड कर लीजिए। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसी टॉपिक पर बात कर लेता हूँ। पद का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और कौन से पद पर कितनी वैकेंसी है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पर मेल का। तो मेल में आप यहाँ पर देख पाएंगे BSF में SC के लिए 1026 है, ST के लिए 603 है, OBC के लिए 1453 है, और EWS के लिए 641 है, और 2690 है, 2690 है, यहाँ पे 2690 है। UR के लिए टोटल यहाँ पे 6413 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे BSF में, और ये मेल का है। उसके बाद फीमेल का BSF में आपको देखने को मिल जाएगा SC के लिए 176 और ST के लिए 110, OBC के लिए 255, EWS के लिए 113। उसके बाद UR के लिए आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 478। टोटल 1032 पोस्ट BSF में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्रैंड टोटल आप देख पाएंगे BSF में टोटल वैकेंसी 7545 रहने वाली है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे CISF का आपको देखने को मिल जाएगा मेल में 7610 रहने वाला है, और फीमेल के लिए 854 रहने वाला है। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर CRPF में कोई पद नहीं है मेल के लिए, ना ही कोई पद है फीमेल के लिए, CRPF का नहीं आया हुआ है। SSB का नीचे आपको देखने को मिल जाएगा 3806 देखने को मिल जाएगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे 0 कुछ भी इसमें एक भी पोस्ट नहीं है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अप्लाई करते वक्त, आप ये सब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे और जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपका एज लिमिट का था, चलिए मैं एज लिमिट सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ। बहुत ज़्यादा कमेंट आया था पिछले वीडियो में मेरे एज लिमिट को लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नेशनलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उसके नीचे जस्ट यहाँ पे 5 नंबर पे एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 18 से 23 वर्ष तक आपका एज लिया जाएगा, तो ये आप डेट याद रखिए 18 से 23 वर्ष। उसके बाद जो आपका 23 वर्ष ये काउंट किया जाएगा, वो काउंट किया जाएगा 1/8/2021 तक का, 1/8/2021 तक काउंट किया जाएगा। इसी डेट से आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है काउंट किया जाएगा।
और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ही आप अपना क्लियर देख लें, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2/8/1998 से 1/8/2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ आप क्लियर कर लीजिएगा, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा 1998 से 2003 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, ये डेट आप देख लीजिएगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ छूट के बारे में, एज में छूट क्या रहने वाला है। कोड नेम आपको मिल जाएगा, कैटेगरी मिल जाएगा, उसके बाद एज में छूट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एक नंबर में एस सी एस टी का दे रखा है, एस सी एस टी को 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, तो अगर आप एस सी एस टी हैं तो 23/5 यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 28। उसके बाद फ्रेंड्स ओबीसी को 3 ईयर्स के यानी कि 23/3/26, 26 वर्ष 18/26 वर्ष ओबीसी के लिए और 28 वर्ष एससी एसटी के लिए। इसके बाद यहाँ पर और जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी एक सर्विस मैन के 3 ईयर्स का छूट मिल जाएगा। उसके बाद ये सब आप अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका डेट ऑफ बर्थ और ये आपका एज क्लियर हो गया, ये एज यही एज आपका रहने वाला है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे बात कर लूँ तो अगर आप 10वीं पास है तो इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मेंशन किया गया है 7 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी 1/8/2021 तक का पास है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। अगर आप 21/8/2021 के बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तो ये फ्रेंड्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको केवल मैट्रिक मांगे, अगर आप मैट्रिक पास है, टेंथ पास है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। केवल 10वीं पास अप्लाई करेंगे, मेल या फीमेल, ऑल इंडिया में 25,000 प्लस पोस्ट पर भर्ती आया हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स। और नीचे आएंगे तो पूरी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ टू अप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर अप्लाई करना होगा, ssc.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपका फ़ोटो के भी क्या अपलोड करना होगा, जिससे फॉर्म अप्लाई करते वक्त तो मैं आपको बता दूंगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी देखने को मिल जाएगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 100 रुपये चार्ज लगने वाला है, अगर एससी एसटी एक सर्विस मैन है फीमेल है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, और जो लोग चार्ज देंगे वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI का भी ऑप्शन रहेगा, नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर पाएंगे, और फ्रेंड्स आपका ऑफलाइन भी आप पेमेंट कर पाएंगे बैंक चालान के द्वारा। और यहाँ पे डेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन का 2/9 रखने वाला है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लेंगे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या रहने वाला, अगर इस स्टेट से हैं यहाँ पर सेंट्रल रीजन से आते हैं, अगर आप बिहार UP के हैं सेंट्रल रीजन में आएंगे तो आपका ये रहने वाला एग्ज़ाम सेंटर, वहीं फ्रेंड्स अगर आप यहां से आते हैं तो आपका एग्ज़ाम सेंटर ये रहने वाला है, यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट और यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आपका एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जैसे 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन के पेपर में 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। पार्ट 1 में आपको देखने को मिल जाएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड एविडेंस है आपको रहने वाला 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे मैथ से रहने वाले हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स होते हैं। उसके बाद समय आपका 90 मिनट रहने वाला है, तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है और आपके पास समय कम है, 90 मिनट ही आपके पास रहेगा, तो ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मल्टीपल च्वाइस आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और यहाँ पर आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है 0.5, ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, और जो आपका पेपर लेवल रहेगा 10th लेवल का आपका पेपर रहेगा मैट्रिक लेवल का, और यहाँ से अपना सिलेबस देख पाएंगे, यहाँ से आकर पूरी जानकारी सिलेबस का ले पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जनरल नॉलेज से इस टॉपिक से पूछा जाएगा, और इस सब्जेक्ट से मैथ से इस टॉपिक से पूछा जाएगा, सारा टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम सिलेबस आपका ये हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका आता है फिजिकल, 3 नंबर में आपका फिजिकल आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपसे बात करता हूँ फ्रेंड्स, कि जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो मैं बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम के बाद अगर क्वालिफाई कर जाता है मेडिकल या उसके बाद फिजिकल के बारे में,
फिजिकल मेल का होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल का होगा 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और जानकारी, ये आपका उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लद्दाख रीजन से आते हैं तो फ्रेंड्स आपको इतना दौड़ना पड़ेगा मेल का 1.6 यानी कि 1 मील 6.5 मिनट में, फीमेल का 800 मीटर 4 मिनट में अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो। आपका हाइट चेस्ट क्या रहेगा ये आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका हाइट चेस्ट। अगर आप ST हैं तो आपका 62.5 रहने वाला है मेल का, फीमेल का 50 रहने वाला है, 150 62.5 और यहाँ पे 150। उसके बाद फ्रेंड्स अगर ऑल कैटेगरी से आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न आपको स्टेट से हैं तो आपका 157 मेल का और 147 फीमेल का ये सब रहने वाला है, ये सब आप अपना चेक कर लीजिएगा। ये आपका फिजिकल का हो गया, फिजिकल पे एक मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा और एग्ज़ाम सिलेबस का वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस ये आपका हो गया, जैसे यहाँ पे भी दे रखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, उसके बाद PT PST होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, यही आपका दे रखा है। जैसे आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी यहाँ पर दे रखा है, और अगर आप NCC CABC है तो आपको ये छूट भी मिल जाएगा, आपको NCC अगर है तो ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम आपको देखने को मिल जाएगा ये सब, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं उसी टॉपिक पर बात कर लेता हूँ। तो यही रहेगा फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जैसे नीचे आएंगे और जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसको सही से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इतना बना था इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में।